बाबा। हाँ जी रामदेव जी बाबा का बताया हर साल माना उसकी ये होती प्रसाद हो रहा है दुनिया में दुनिया में उसकी प्रसिद्धि हो रही प्रख्याति हो रही है। हाँ उसकी उम्र तो माना 55 साल है। हाँ, उसकी वो तो बहुत दिन का है माना ऐसा तो क्यों विवेकानंद बहुत दिन के नहीं थे उसमें जो आने वाली सोल है बाबा 10 साल में परसा इस दुनिया में उसका वो भी उम्र में आ सकती है नहीं उसके अभी वो तो दुनिया में जो उसका परिचय हुआ 10 साल के पहले कुछ भी नहीं था उसका। अरे नरेंद्र में भी तो ऐसे ही था बाद में सोल ने प्रवेश किया। आचार्य रजनीश भी तो प्रोफेसर थे बाद में जब नई सोल ने प्रवेश किया तो नामाचार हो गए। और सोल तो कोई भी अवस्था में प्रवेश कर सकती है ऐसे नहीं कम एज में ही प्रवेश करती है बुढ़ापे में भी प्रवेश कर सकती है। बाबा ने अभी बोला बाबा ने अभी मुरली में बोला ना कि इधर बाबा नीचे बाबा ने बोला ना कि बगुला दिखावा करता है तो ब्रह्मा बाबा क्या दिखावा करते हैं। अच्छा तुम्हें अभी कुछ पता ही नहीं चला है ब्रह्मा बाबा कहते थे भगवान आया हुआ है कहते थे है नहीं कहते थे पता ही नहीं लो ये नहीं कहते थे भगवान आया हुआ है कहते थे ना फिर भगवान कहाँ आया हुआ है खुद फैसला कर सके भगवान कहाँ आया हुआ है। कोई वाणी में ये क्लियर हुआ अगर हुआ तो जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं सेवो हम वैसे वो भी कह के बैठ गए मेरे में भगवान आता है परंतु भगवान आता है तो भगवान धारणा के आधार पर साबित हुआ या प्रैक्टिकल परिवर्तन के आधार पर साबित हुआ धारणा ऐसी दिखाई और धारणा ब्रह्मा कुमार कुमारियों में और ब्रह्मा में ज्यादा धारणा होती है या आज के साधु संत महात्माओं में धारणा ज्यादा होती है दिखावा उनमें भी रहता है दिखावा उनमें भी रहता है इसलिए पूजा ना ब्रह्मा की होती है और ना साधु संत महात्माओं की पूजा होती है। और ज्ञान उठाने के बाद भी अगर बच्चे क्रोध करते हैं झगड़ा करते हैं दूसरों को दुख पहुंचाते हैं तो ऐसे बच्चों का क्या परिणाम होगा। धर्मराज का ही नहीं बैठा है। और है बाबा ने बोला अब पैसे पर भी खर्चा नहीं करते हा? अब पैसे पर भी खर्चा नहीं करते पैसे पर खर्चा नहीं करते कागज के नोट बना दिए हैं इतने छोटे करते जाते हैं क्या क्या मतलब ये है कि जो करेंसी बनाते हैं पहले तो करेंसी सोने की बनाते थे करेंसी बनाने में कुछ खर्चा तो करते थे अभी तो इतने गवर्नमेंट कंजूस हो गई है कि करेंसी पर एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहती नोटों का कागज भी छोटा करते जा रहे हैं। अरे इतनी कंजूसी किस बात की है ब्राह्मणों में भी ऐसे हो रहा है ब्राह्मणों की करेंसी कौन सी है ज्ञान ही तो रतन हमारी करेंसी है
कितना टाइम देते हैं है? करेंसी छपाने में हम कितना टाइम देते हैं? ना के बराबर। ज्ञान का धंधा और दुनियावी धंधे को टैली करो, कितना दे रहे हैं? ना के बराबर देते हैं। क्योंकि तो बाबा कहते हैं सब धंधों में है नुकसान, और लेकिन ईश्वरीय गवर्नमेंट कंजूस नहीं है ना? है ईश्वरीय गवर्नमेंट कंजूस तो नहीं है? ईश्वरीय गवर्नमेंट वाले कौन है? अच्छा कंजूस नहीं है और मुरली में बताया एक स्त्री से पतित बनना ये कायदा हुआ, तो ब्राह्मणों की दुनिया में जैसे बताया कि एक स्त्री से पतित बनना हाँ? एक स्त्री कैसा है? एक स्त्री कैसा है? क्योंकि हम तो कुमार हैं है? कुमार हैं लेकिन दिल पर हाथ रख करके पूछें कि सारे जीवन में कोई स्त्री बनाई तो नहीं? अगर आंख से आंख भिड़ागी तो भी स्त्री हो गई कि नहीं? रज रज के बातें कर ली दिल की दिलावर से तो स्त्री हो गई कि नहीं? वाचा से वाचा लड़ गई या नहीं लड़ गई? बाबा ब्राह्मणों की दुनिया में सब पुरुष है एडवांस वाले, तो उनके लिए एक स्त्री किसके? क्यों चोले नहीं है स्त्री पुरुष के? लेकिन सब पुरुष आंतरिक स्थिति में अगर है हाँ? सब पुरुष ही है, हर कोई आत्मा पुरुष है तो एडवांस तो उनके तो चोला नहीं है बाबा। आत्मिक स्थिति में आती तो चोले की बात नहीं आती। आत्मिक स्थिति में है कोई पुरुषार्थ तो कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ एक सेकंड का भी हो सकता है, एक मिनट का भी हो सकता है, 24 घंटे में एक घंटे का भी हो सकता है, बाकी 23 घंटे। दूसरी बात, आजकल अखबारों में बहुत चल रहा है समलैंगिक संबंध जुड़ते हैं, समान लिंग वाले संबंध जोड़ लेते हैं, और आवाज उठ रही है कि ये भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जो समान लिंग वाले स्त्री स्त्री है या पुरुष पुरुष है वो आपस में संबंध जोड़ना चाहें जिंदगी भर के लिए तो वो वाजिब होना चाहिए। जोर से आवाज उठाई जा रही है दुनिया में, लेकिन सब बातों का फाउंडेशन कहां पड़ता है, है? यहां ब्राह्मणों की दुनिया में ही हर बात का फाउंडेशन पड़ रहा है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी फाउंडेशन डालने वाले कौन है? साधारण पब्लिक है या यथा राजा तथा प्रजा है? पहले कदम बढ़ाने वाले कौन है, है? राजा। जो सरेंडर्ड होने वाले हैं वो राजाएं बनते हैं। कितनी संख्या है? 16,108। अब वो चाहे स्त्री चोले में हो चाहे पुरुष चोले में हो, बाबा ने तो बोला है कि ब्राह्मणों की दुनिया में किसी का छुपा हुआ नहीं रह जाएगा, सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। दुनिया के लोग वंडर खाएंगे, अरे ये क्या हो रहा है? बाद में पता चलेगा हर बात का फाउंडेशन तो ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ता है पहले, बाद में दुनिया फॉलो करती है। और जो संस्कार होते थे किसके द्वारा हुए थे? किसके द्वारा? बंद आंखों के द्वारा हुए? कराने वाला
दुनिया में जितने भी साक्षात्कार होते हैं उन साक्षात्कारों का कराने वाला कौन होता है? या ड्रामा प्लान अनुसार स्वतः ही होते हैं? हर आत्मा में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला, स्वप्न और साक्षात्कार का पार्ट स्वतः ही भरा हुआ है या कोई कराने वाला होता है? तब होता है, स्वतः ही है। स्वप्न भी स्वतः ही आते हैं पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार। और तुलसीदास को, सूरदास को, रैदास को, मीरा को अपने अपने टाइम पर साक्षात्कार हुए, वो भी उनके ड्रामा में स्वतः ही नूत था। और क्या पूछना चाहते? छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय एक व्यक्ति ने ऐसा सभा मंडप बनाया कि उसमें कोई से भी साइड से बात किया तो सिंहासन तक आवाज आती थी। अब ये कौन सा सिंहासन है जहां से बाबा को सभी की आवाज सुनाई देती है? अभी वह सभा मंडप कौन बनाता है? और क्या पूछने का मतलब क्या है? बाबा तो बड़ी बड़ी सभाओं में आते ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1500 की सभा में आएंगे, इससे बड़ी सभा में तो आते नहीं है। तो बाबा की सभा मंडप की तो बात ही नहीं। और बाबा की आवाज इतनी बुलंद है कि एक ही सभा मंडप में पूरी आवाज सबके पास पहुंचेगी? थोड़े लोगों की आवाज तो कहीं से भी आ जाएगी। हाँ, बड़े बड़े गुरुओं के बड़े बड़े मजे में लगते हैं, लाखों की अंदाज में पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, वहां तो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। और बाबा नवधा भक्ति का क्या विश्लेषण है? ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे नवधा भक्ति होती है? भक्ति मार्ग में होता है नवधा भक्ति, भक्तों का सत्संग होता है, वो भी एक प्रकार की भक्ति है, कीर्तन करते हैं वो भी भक्ति है। भगवान की मूर्ति बना करके उनके चरणों में वंदना वंदना करते हैं वो भी भक्ति है। ऐसे 9 प्रकार की भक्ति गाई हुई है, वो तो सब कुछ अंधश्रद्धा युक्त है। यहाँ भक्ति नहीं है, यहाँ 9 प्रकार की याद है। यज्ञ के आदि में भगवान को याद करते थे लाल लाइट के गोले के रूप में, बाद में वो लाल लाइट का गोला याद करना बंद हुआ। मम्मा ने बताया कि भगवान इतना बड़ा लिंग नहीं है, लाल लाइट का गोला नहीं है, जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु हैं, अणु हैं, वैसे भगवान भी अणु रूप है। तो अणु रूप में याद करना शुरू किया, बिंदु रूप में। उससे पहले अंगुष्ठाकार रूप में याद करते थे। तो 3 प्रकार तो यही हो गए। समझते थे शास्त्रों में लिखा है आत्मा अंगुष्ठाकार है, शालिग्राम मिसल है,
भगवान बड़ा लिंग है। बाद में जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली चलना शुरू हुई तो ब्रह्मा के रूप को ही भगवान का रूप मान लिया कि वो ज्योति बिंदु शिव ब्रह्मा में प्रवेश करता है, तो साकार ब्रह्मा में निराकार शिव को याद करना शुरू कर दिया बहुत सारे ब्राह्मणों ने। उसके बाद करते करते एडवांस में नई बात निकल पड़ी, यज्ञ के आदि में जो व्यक्तित्व था वो ही भगवान का साकार रूप था, पहला मुकर्रर रूप। अगर भगवान 2-4 में प्रवेश करता है तो सर्वव्यापी भी साबित हो सकता है, इसलिए एक ही मुकर्रर रथ है, वो एक व्यापी ही बनकर के आता है, कोई पहचाने या न पहचाने। तो प्रजापिता ब्रह्मा में निराकार शिव को याद करना शुरू हो गया। निश्चय अनिश्चय का चक्र तो चलता ही रहता है, बहुतों के इस बात पर जब अनिश्चय पैदा होता है तो विष्णु पार्टियां निकल पड़ती हैं। कोई कहां विष्णु भगवान बन के बैठ गया, कोई कहां विष्णु भगवान बन के बैठ गया। भक्ति मार्ग में बताते हैं कि भगवान के 24 अवतार होते हैं विष्णु के रूप में, स्वयं भगवान विष्णु ही आकर के भगवान का अवतार लेते हैं। तो अनेक प्रकार से विष्णु के रूप में भगवान को याद करना शुरू कर देते हैं। है तो ये सब भक्ति मार्ग, असली याद कब ठहरेगी? असली याद तब ठहरेगी जब संसार में भगवान बाप गीता का भगवान बनकर के संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वहां होती है नौधा भक्ति और यहां होता है नौधा याद। और हाँ जी, भारत इस समय नास्तिक है। हाँ जी, सिर्फ नास्तिक नहीं बोला है, भारत इस समय पूरा नास्तिक है। तुम तो थोड़ा कम कर दिया, कम करके बता दिया। इस समय माने किस समय है? इस समय माने संगम युग के लिए। संगम युग में जो चैतन्य भारत है, नास्तिक और आस्तिक चैतन्य मनुष्य आत्मा होती है या जड़ जमीन होती है? हैं? चैतन्य की बात है। तो कोई चैतन्य आत्मा है जिसकी बुद्धि में ये बात तो बैठती है कि भगवान का प्रैक्टिकल रूप कौन है, क्या है, परंतु जो भी भगवान का प्रैक्टिकल मुकर्रर रूप है वो कोई के ऊपर आस्था रखता है इस संसार में है? हाँ ना कहो है? शिव के ऊपर आस्था रखता है, बिंदी के ऊपर, निराकार के ऊपर। तो निराकार के ऊपर आप भी आस्था रख लो। निराकार के ऊपर आस्था रखना ना रखना कोई मतलब नहीं होता। आस्था जो है वो साकार के ऊपर ही साबित होती है। जैसे आर्य समाजियों को आस्तिक कहेंगे या नास्तिक कहेंगे? क्यों नास्तिक कहेंगे?
क्योंकि भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, वो निराकार भगवान बोलते हैं। जब निराकार बोलते हैं तो किसकी मत पर चलेंगे, आखिर बात किसकी मानेंगे, किसकी मत पर चल करके नई दुनिया की स्थापना करेंगे। इसलिए बोला कि भारत इस समय पूरा नास्तिक है। इस समय माने तब तक जब तक भगवान बाप की प्रत्यक्षता नहीं होती है। बाबा जी। बाबा ने बोला कि माया मतलब अपने पुराने किए हुए कर्मों की वाइब्रेशन होती है। माया मतलब अपने पुराने जो किए हुए कर्म होते हैं ना, उनकी वाइब्रेशन जब आती है तो उसको बोलते हैं कि माया आती है ना। मतलब माया को ऐसे बोला ना कि कर्मों की वाइब्रेशन जो होती है वो माया है। माया कर्म, माया, किसी ने पूछा था कि माया मतलब क्या होता है। माया माने अपनी कमजोरी, जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप कर्मों की जो कमजोरी है वो ही माया का रूप है। कुमारका को माया, इसलिए बोला कि जिसका चित्र बनाया जाता है उसका चरित्र करने वाला भी कोई होता है या नहीं होता है, बोलो। तो कौन है चरित्र करने वाला? वो माया माने रावण। माया रावण के जो सिर हैं छोटे बड़े दिखाए जाते हैं, ये सब बराबर दिखाए जाते हैं। क्यों? माया भी रूप धारण करके पार्ट बजाने वाली आत्माएं नंबरवार हैं या सब एक जैसी हैं? नंबरवार हैं। उनमें कोई एक ऐसा रूप भी है जो ढेर के ढेर लोगों को भ्रमित कर देता है। ढेर के ढेर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, भगवान आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। वो स्वयं भी भ्रम में है और दूसरों को भी भ्रम में डाल देती है। तो ऐसा पार्ट बजाने वालों में ब्राह्मणों की दुनिया में किसने पार्ट बजाया तो तुम बता दो, है? कुमार का खुद ही बताते हैं, खुद ही पूछते हैं। और बाबा भक्ति मार्ग में माताएं बृहस्पतिवार को व्रत रखती हैं। बृहस्पतिवार को ही क्यों रखते हैं? अरे उसका नाम ही क्या है, बृहस्पति। जब बड़े से बड़ा पति है तो माताएं अपने रोजमर्रे के पति वाले को पति मानेंगी या बेहद के पति को पति मानेंगी? है, किसको मानेंगी? जो बेहद का पति है, जो सब पतियों का पति है, वो बेहद का पति है। उस बेहद के पति की यादगार में माताएं पांच विकारों का व्रत संगम युग में रखती हैं। उनके लिए रोज ही बृहस्पति है, बृहस्पतिवार। कोई एक दिन की बात नहीं है कि सात दिन में एक बार है, नहीं, रोज ही बुद्धि में रखो हमारा बृहस्पतिवार है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है माने बृहस्पतिवार है। दूसरे की दशा बैठने क्यों दें? और हाँ जी, बाबा कल पोलैंड का प्लेन क्रश हो गया जिसमें वहां के राष्ट्रपति के साथ 132 मंत्री और बड़े बड़े नामी ग्रामी सब खलास हो गए। इस घटना का बेहद में अर्थ क्या है, क्या कनेक्शन है?
यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में प्लान किसे माना जाता है? हैं? प्लान माने आत्मा, प्लान माना आत्मा रूपी प्लान। तो कोई एक ही देश की आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, या हर देश के प्रतिनिधि ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद हैं? हैं? हर देश की प्रतिनिधि के रूप में आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद हैं, और खास करके एडवांस में रुद्रमाला में हर धर्म के बीज रूप संगठित रूप में विराजमान है। कितने ग्रुप हैं? 12-12 के 9 ग्रुप हैं। उनमें कोई पोलैंड भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? हैं? क्या नाम दिया? पोलैंड। तो जिसमें ज्यादा पोल पट्टी भरी हुई हो उसका पहले इंड होगा या दूसरों का पहले इंड होगा? जिसमें ज्यादा पोल पट्टी भरी होगी उसका इंड पहले हो जाएगा। तो हो गया। अब ये बात दूसरी है, भक्ति मार्ग अभी आगे चल रहा है या ज्ञान मार्ग आगे चल रहा है? हैं? भक्ति मार्ग आगे आगे चल रहा है, अभी ज्ञान मार्ग वाले बेचारे पीछे। तो ज्ञान मार्ग वाले अगर आगे हो जाए तो प्रत्यक्ष हो जाएगा कि ब्राह्मणों की दुनिया में पोलैंड वाले कौन हैं और उनका राष्ट्रपति कौन है? अरे जैसे हिंदुस्तान में पुलिस है, तो अगर पुलिस हिंदुस्तान की सुधर जाए तो सारे हिंदुस्तान में 50% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा कि रह जाएगा? है? खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पोल पट्टी भरी हुई है यहाँ के इस महकमे में। ये कंट्रोलर ग्रुप है, यथा राजा तथा प्रजा। पुलिस के हाथ में जितनी सत्ता है राजाई की, उतनी सत्ता और किसी महकमे में नहीं है। इसलिए यथा राजा तथा प्रजा होती है। पुलिस सुधर जाएगी तो क्या होगा? तो सारी प्रजा सुधर जाएगी। तरीका तो है। क्या तरीका है? बहुत सहज तरीका है। गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। क्या तरीका है? 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 मार्शल ला लग गया। पाकिस्तान में कितनी बार मार्शल ला लग गया, उससे सुधार हो गया क्या? मार्शल ला लगने की बात नहीं है, यहाँ बात है मिलिट्री के लोगों को और पुलिस के लोगों को बराबर तनख्वाह कर दी जाए, बराबर प्राप्तियां कर दी जाए, और मिलिट्री लोगों का ट्रांसफर पुलिस में कर दी जाए, पुलिस वालों की भर्ती मिलिट्री में करा दी जाए। देखो कितना सुधार हो जाता है, है? पड़ता है नहीं, बहुत तनख्वाह मिलती तुम्हें, क्या कम दिखाई पड़ रही है तनख्वाह? है? फायदा कितना होगा देश को? बाबा
जो बच्चे वार्तालाप में प्रश्न पूछते हैं उनको कैमरे में शूटिंग की जाती है, इसका क्या कारण है? बाबा क्यों कैमरे में शूटिंग करते हैं? बच्चों को कैमरे के अंदर शूट कर लिया जाता है, क्या प्रूफ रखने के लिए? प्रश्न पूछने वाले जो बच्चे हैं, जिनको बाप की वाणी से संतुष्टता नहीं हुई है और जो चिट्ठी लिख करके प्रश्न पूछते हैं, उनकी शूटिंग नहीं होती, उनको कैसे पकड़ेंगे? ये हैंडराइटिंग है ना, ये सब इकट्ठी करके जेब में डालते हैं, देखा कि नहीं, ये भी शूट होता है। वो कंप्यूटर में डालने से कंप्यूटर पकड़ लेता है हैंडराइटिंग को, वो हैंडराइटिंग के आधार पर उसका नाम पता चल जाता है। और है बाप मिल गया तो जमीन से जमीन आसमान मिल गया है, बाप मिल गया तो जमीन से जमीन आसमान मिल गया है, ऐसे कोई वस्तु नहीं थे प्राप्ति करने का, कोई वस्तु बाकी नहीं रह गया है। उसके बाद भी अभी तो बाप मिल गया हमको है, उसके बाद भी मनन चिंतन कितना चक्कर कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं? मनन चिंतन मंथन, अपने पार्ट को जानने का मनन चिंतन मंथन नहीं करना है? तो करते ही है। क्या करते हैं? बाबा ने मुरली में बोला है, ऐसा एक्टर बेवकूफ होता है जो अपने पार्ट को नहीं जानता है। तो 84 जन्मों के पार्ट को जान लिया क्या? तो बेवकूफ हुए ना। देखो ये रख रहे अब लिखना भी बंद कर देंगे क्या? छोटा कृष्ण बनूंगा हाँ? तो वो क्या मानते थे कि मैं भविष्य से कृष्ण बनूंगा, किसी माँ बाप के द्वारा मेरा जन्म होगा? माँ बाप के द्वारा जन्म होगा, मान्यता थी। मान्यता क्या थी? उनकी बुद्धि में जितना ज्ञान बैठा उसी हिसाब से वो बोलते थे कि सतयुग में जाके मैं बच्चा बनूंगा। और हाँ, बाबा ने बोला कि भक्ति मार्ग वाले सोचते हैं कि गीता संस्कृत में लिखी थी है? गीता जो है ना वो संस्कृत में लिखी गई थी, ऐसा सोचते हैं। हाँ, संस्कृत में लिखी गई थी, माने संस्कृत में नहीं लिखी गई है गीता? संस्कृत में लिखी नहीं गई है, हाँ? हिंदी में लिखी गई है। जो मूल गीता है वो महाभारत का अंश है, और जो महाभारत है पहले 400,000 श्लोकों का था, नहीं 100,000 श्लोकों का था, जिसको वृद्धि करते करते 400,000 श्लोकों का बन गया। उस महाभारत से गीता का अंश उठाया गया है, 18 अध्याय की गीता, वो संस्कृत की लिखी हुई है मूल रूप में। प्राकृत या पाली भाषा में लिखी हुई या वैदिक भाषा में लिखी हुई नहीं है, लेकिन इसका बेहद का ब्राह्मणों की दुनिया में अर्थ ये है कि वो बोलते हैं संस्कृत, वो संस्कृत भाषा सामान्य लोगों की समझ में नहीं आती है। ऐसे ही हमारी भी ज्ञान की भाषा है, जो ज्ञान की भाषा दुनिया वाले लोगों की समझ में नहीं आती है, तो वो लोग भी ये कह सकते हैं ये पता नहीं क्या संस्कृत में बोलते रहते हैं, इनकी तो भाषा ही अलग है।
अलावा दुनिया वालों को भाषा समझ में अगर नहीं आती है, संस्कृत की भाषा है अपनी, ब्राह्मणों की जो संस्कृत की भाषा है, तो फिर केबल के ऊपर या टीवी के ऊपर जो बाबा की डायरेक्ट बोली सुनाने के लिए अपन रखते हैं यानी बाप का परिचय देने के लिए, वो तो वो कहाँ तक यथावत है? मुरली तो दुनिया वालों की समझ में बिल्कुल ही नहीं आती है। जिस मुरली से महावाक्य या श्लोक उठाए गए हैं, सच्ची गीता खंड एक और दो में डाले गए हैं, वो महावाक्य तो लोगों को समझ में ही नहीं आते। उनका भी सार बनाया गया सच्ची गीता लॉकेट, उसमें एक एक वाक्य में ही लाख लाख लगा हुआ है। वो लाख को जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जाएगा तब तक कोई को समझ में नहीं आ सकता। ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से बोली गई वेद वाणी के लिए ये क्लैरिफिकेशन लाख खोलने के बराबर है, परंतु इसके लिए भी अभी एडवांस कोर्स दिया जाता है। आगे चल के ये ज्ञान की भाषा सारी दुनिया में फैल जाएगी। तो जैसे आज की दुनिया में इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है? हैं? अंग्रेजी। क्रिश्चियंस की जो भाषा है वो दुनिया के बतौर, दुनिया के हिसाब से इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे है, वैसे ही क्राइस्ट की राशि जिससे मिलाई जाती है कृष्ण से, उस कृष्ण की भाषा भी एक दिन आएगा जो सारी दुनिया में कौन सी लैंग्वेज बन जाएगी? हैं? इंटरनेशनल लैंग्वेज बन जाएगी। सारी दुनिया इस भाषा को समझेगी। फिर बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स देने की दरकार नहीं रहेगी। बुद्धि का दल ऑटोमेटिक। हाँ जी, बाबा जो बरमूडा ट्रायंगल जो है सागर के बीच में, जो वहाँ पर कोई वैज्ञानिक भी विमान लेके आजकल नहीं जाते, मतलब? हाँ जी, क्योंकि वहाँ पर कोई डर है, वो खींच लेता है समझ। तो वहाँ पर किसी आपने कैसेट में बताया है कि वहाँ आत्मा है वो खींच लेती है, है? तो आत्मा तो बिना शरीर कोई कर्म करती नहीं ना, है? ऐसा होता है? सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं वायुमंडल में परिवर्तन नहीं ला सकती? बगैर शरीर आत्मा तो कर्म करती है। आत्मा को सूक्ष्म शरीर नहीं है? अरे सूक्ष्म शरीर भी ऐसा कुछ, मतलब जो आदत तो कर्म कर सकती है? अरे इंद्रियों वाला सूक्ष्म शरीर होता है या नहीं होता है? सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं कि नहीं होती हैं? तो ये कैसे कहते हैं कि उनको शरीर ही नहीं? और संदेशियां जो संदेश लाती हैं वो कैसे? वो संदेशियां कही जाती हैं जो ध्यान में जाती हैं, संदेश लाती हैं। ऐसे ही है संदेश, जैसे कोई स्वप्न में जाता है, सो जाता है, स्वप्न देखता है और स्वप्न देखने के बाद फिर वो स्वप्न की बात सुनाता है। इतना ही अंतर है कि स्वप्न बंद आंखों से सुसुप्त अवस्था में देखा जाता है, स्वप्न की अवस्था में, और जो साक्षात्कार है वो बैठे बैठे खुली आंखों से साक्षात्कार में चले जाते हैं। सब नहीं जा सकते हैं। जिन आत्माओं में पवित्रता के वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं जन्म जन्मांतर के, वो ही आत्मा साक्षात्कार में जा सकती है, दूसरी आत्मा साक्षात्कार में नहीं जा सकती।
जैसे रुद्रमाला के मन के जन्म जन्मांतर के पतित राजाएं हैं या पावन आत्माएं हैं, हैं? पतित राजाएं हैं तो उनमें से कोई भी अनुभव नहीं करता साक्षात्कार में जाने का। किंतु बुद्धि पतित है, पतित कर्म में बुद्धि ज्यादा याद लगी रहती है। जो जन्म जन्मांतर की भारतीय रानियां हैं वो साक्षात्कार भी उन्होंने किए हैं, परंतु ऐसा भी टाइम आता है जैसे आज में छोटे रूप में हुआ सिंध हैदराबाद में कि बहुतों को साक्षात्कार हुए, ऐसे ही अंत में भी होगा। लेकिन वो तब होगा जब प्योरिटी के बारे में लोगों में विश्वास ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि रुद्रमाला की वो आत्माएं जो मनन चिंतन मंथन में धीमी गति वाली हैं, वो भी साक्षात्कार में जाने लगे और साक्षात्कार में अपने बुद्धियोग के जो पार्ट खुलने की बात है उस बुद्धियोग से अपने पार्ट को जो नहीं खोल सकती है वो साक्षात्कार में अपने पार्ट को समझ लें। आगे पूछा है वो संदेशियां मम्मा बाबा से कैसे बात करती हैं? जैसे स्वप्न में कोई किसी से बात करता है ऐसे ही बात करती है मम्मा बाबा वहां आपस में कैसे बात करते हैं? अरे जैसे स्वप्न में माँ बाप बात करते हैं आपस में ऐसे वो संदेशियां मम्मा बाबा से भी बात करती हैं और मम्मा बाबा भी आपस में बात करते हैं। बाबा ने बताया कर्जा नहीं उठाना है और मैं तो नौकरी करता हूं तो गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है, तो टैक्स भरना अच्छा है या कोई बैंक से कर्जा उठाकर टैक्स बचाकर ईश्वरीय सेवा में लगाना अच्छा है? बताओ भाई है? बोलो। अरे गवर्नमेंट से बैंक से कर्जा उठाया तो भी कर्जा उठाया या नहीं उठाया? और दूसरे से कर्जा लिया तो भी कर्जा उठाया? श्रीमत की बरखिलाफी की या नहीं की है? हम ऐसा काम क्यों करें जो हमें श्रीमत की बरखिलाफी करनी पड़े? और गवर्नमेंट टैक्स लेती है ये कोई नई बात थोड़ी ही है, 2500 वर्ष की हिस्ट्री बताती है कि पहले पुराने समय से ही राजाएं प्रजा से टैक्स लेते आए हैं, कर चुकाना पड़ता है नहीं तो राजकाज कैसे चलेगा। ज्यादा कमाई होती है तो ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, उसके लिए कर्जा उठाने की क्या दरकार?
बाबा, प्योरिटी से होती है स्थापना पालना और इम्प्योरिटी से होता है विनाश। स्थापना और पालना करने वाली प्राप्ति करते हैं, विनाश करने वालों को कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। बाबा, अगर विनाश करने वालों को प्राप्ति नहीं होती है तो शिव की शक्तियों को असुर संहारिणी के रूप में क्यों निमित्त बनाया गया? किसने बनाया है? किसने बनाया निमित्त? कोई बनाता है या अपने आप बनती है? हैं? बोलो, तो अपने आप बनती है, कोई बनाता थोड़ा ही है। कहेंगे माया बनाती है। बाबा कहते हैं कि असुर संहारिणी बनो, महाकाली बनो, काली बनो। बाबा कहते, बाबा मना करते कि गौरी मत बनो? मना किया? गौरी स्थापना करती, पालना करती, काली काली विनाश करती। बाबा के इसमें काई के लिए दोष लगा रहे? हाँ, ये कहें कि 63 जन्म के किए हुए कर्म हमको उसी संस्कार की ओर खींचते हैं बार बार, और हम माया के लथेड़े में आ जाते हैं, माया से हाथ मिलाए लेते हैं, हम महाकाली के भुजाएं बन जाते हैं। ये बात दूसरी है। बाबा को क्यों दोष देना चाहिए? बाबा के सामने तो ऐसी शक्तियां भी हैं जो पालना और स्थापना का ही काम करती है। विजयमाला क्या करती है? हैं? स्थापना भी करती है और पालना भी करती है। ओम शांति। एक और है, है? ये मीडिएटर है, इनका भी खींचो। इनको सब पता होगा किसका किसका लेटर है। बाबा, एक VCT में बाबा ने बताया है कि नारायण को नारायण बनाने वाला, नारायण को भगवान को भगवान बनाने वाला कोई प्रैक्टिकल में होना चाहिए। ये बात समझ में नहीं आई। नारायण कौन बनाता है? नर को नारायण है? शिव बाबा बनाता है। तो शिव बाबा क्या बिंदी रूप में है या प्रैक्टिकल रूप में भी है? वो क्या है उसका प्रैक्टिकल रूप? और शिव बाबा का प्रैक्टिकल रूप क्या है, कौन है? शिव शंकर बोले ना, शंकर अलग है और प्रजापिता अलग है। प्रजापिता नर है और उस नर को नारायण बनाने वाला शिव बाबा है, और शिव बाबा का प्रैक्टिकल रूप शंकर है। शंकर एक आत्मा का नाम है या सम्मिलित पाठधारी का नाम है? है? सम्मिलित पाठधारी का नाम शंकर है। बाबा, आपने बताया नहीं कि कैमरा में शूटिंग करने का कारण क्या है?
बच्चों की शूटिंग होती है। जो बाप से प्रश्न पूछते हैं और चिट्ठी वालों की, चिट्ठी से प्रश्न पूछने वालों की चेकिंग कंप्यूटर में क्यों होती है? आज की मुरली में कुछ बताया इस संबंध में, प्रश्न पूछने के संबंध में बाबा ने मुरली में कुछ बताया है? बाबा सब कुछ आप ही बताते हैं, लेकिन जो आसुरी बच्चे हैं वो जब आप ही बताते हैं तब एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ये प्रूफ रखने के लिए कि लापरवाही करने वाले बच्चे कौन कौन हैं, जो बाबा की बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, ध्यान ही नहीं देते। तो प्रूफ चाहिए कि नहीं है? वो प्रूफ रखने के लिए फिर ये सब कुछ करना पड़ता है बाबा, नहीं तो कल कहेंगे हमको हमने कब, हम कब रावण के सर बन गए? हम तो रावण के सर कभी बने ही नहीं है? क्या ज्ञानी तो भी पूछेंगे चलो ओम शांति।